जब हमने कह दिया कि अगर किसी गृहिणी का 2.5 लाख रुपया अगर वो बैंक में जमा कर देगी तो सरकार उसको नहीं पूछेगी कि ये 2.5 लाख रुपए कहां से आए थे, उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? कई बेटे और बहुएं भी जो वृद्धाश्रम में मां को रख के आए थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा करा दिया मां के खाते में। अब मुझे बताइए वो मां मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? ऐसी वृद्ध मां आशीर्वाद दे तो फिर योजना सफल होने में कोई आशंका रहती है क्या? भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। तकलीफ हुई है, तकलीफ तो होती, मुझे भी अंदाजा, मैंने पहले दिन भी कहा था, जब 8 तारीख को मैंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तब भी कहा था कि इतना बड़ा देश है, 50 दिन दिए हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, 50 दिन दिए हैं, जाकर के अपने जो ईमानदारी के हक के पैसे हैं वो जमा कराएं, बदले में उनको खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। जितने लोगों को नए लाना पड़ेगा ला करके भी इस काम में लगाऊंगा। हां, ईमानदारी का है उसका जय जयकार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहां। लेकिन इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख दूंगा फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है तो उनको लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है, पैसे मिले या न मिले पुण्य तो मिल जाएगा। और इसलिए देश को मैं फिर एक बार, आज पहुंचते ही फिर से भी मैं लोगों को बार बार कहने वाला हूं, ईमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए मेरी सरकार सब कुछ करेगी और बेईमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा।